अस्सलामुअलैकुम। हम जाने हमारे मामले हमारे मामा हाँ लड़ाई घर के आए, उन्होंने हम तक तो इन्वाइट किया है दावत में। वो मार्शल आर्ट के मेरे अम्मा एक ही वो भी आई है, हम उनके पास गए थे तो उन्होंने हमने थोड़ा व्लॉग बना रहा है। अभी हम किसी के घर जाके व्लॉग नहीं बनाते ना। हाँ अपने घर में और मापी के घर में कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज है सैटरडे व्लॉग, आज हम जा रहे हैं, आज हम जाएंगे और आप सबसे भी शेयर करेंगे आज का दिन। आज जो मेरे मामा है वो हज से आए हैं तो उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है दावत में, तो आज हम लोग जाएंगे और आपको बताएंगे कि आज की रूटीन हमारी कैसी रहती है। अब्बा के पप्पू ने घर भी गए थे, वहाँ थोड़ा हाँ मेरी जो पप्पू हैं वो भी माशाल्लाह हज करके आई हैं और मेरे मामू भी हज से आए हैं, तो इंशाल्लाह हम आपसे आज की रूटीन भी शेयर करेंगे। शायद वहाँ जाके मैं वीडियोज इतनी ना बना सकूँ। आप कैसे हैं उस्मान? मैं ठीक हूँ। जोर से बोलिए। चले भाई सुभान, आप कैसे हैं? अब्दुल रहमान कहाँ गया? अरे अब्दुल रहमान तो ये रहा। अब्दुल रहमान आप कैसे हैं और सब खैरियत है? हाँ। तो जैसा आप लोगों को पता है कि उस्मान के साथ जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करके लेके जाना पड़ता है, तो यहाँ मैं उस्मान के लिए वॉफल्स बना रही हूँ और हम नाश्ता वाश्ता सब कर चुके थे तो बस जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बना लूँ ड्राई चीज़ जो जल्दी ईजिली बच्चे खा लें। तो यहाँ पर मैं बस उस्मान के लिए वॉफल्स बना रही हूँ। उस्मान अब्दुलरहमान दोनों ही बहुत शौक से खा लेते हैं, सुभान भी खा लेते हैं, तो फ्राइज़ भी मैंने बनाए थे और वॉफल्स भी बनाए थे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस यहाँ आप लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी सारे काम मुझे पहले करके करने पड़ते हैं, कहीं जाने के लिए बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ वॉफल बन गए थे, इसके बाद बस मैं तैयारी करूँगी, बच्चों को रेडी करूँगी। ये मेरा अब्दुल रहमान का लुक है। अब्दुल रहमान ने अभी वही वाली शर्ट पहनी है, हमने कोई खास तैयारी नहीं करी। ये मेरे उस्मान का लुक है, उस्मान दिखाइए व्यूअर्स को। वाओ उस्मान ने भी वही वाली शर्ट पहन ली है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम जा रहे हैं जलारो में। अभी मैं दूरे में बैठा हूँ, पहली बार देखता था इसलिए मैं आपको फुल लुक नहीं दिखाता था, मैं दिखा दिलाता हूँ। आपने भी देखी मेरा फुल लुक, भगवान का फुल लुक। अम्बा जलारो लिए नानी नाना को जलारो में। तो जी यहाँ पर सब रेडी हो गए थे, अब्दुलरहमान उस्मान जुबान को भी रेडी कर दिया था और ये मैं भी रेडी हो गई थी। और तो जी ये था मेरा फुल लुक जो कि मैंने बहुत ही गलती करी थी ये सूट पहनकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मुझे पहले मैंने लॉन के सूट निकाले थे, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ऐसी बात आई जो मैंने ये वाला सूट पहना और बहुत बड़ी गलती करी बच्चों के साथ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। ये सवेरा भी आ गई हैं रेडी होकर, सवेरा शांजे सब बच्चे रेडी थे, बहुत एक्साइटेड थे। तो बस अब भाई हम लोग निकलेंगे। चलो 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 आ सवेरा। तो बस जी रास्ते में हमारे बहुत सारे काम थे, एक तो ट्रैफिक बहुत था और सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा था क्योंकि हमारे घर से इनके घर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जी यहाँ हमने हार ले लिए थे, अब पारी थी मिठाई की और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हवा बिल्कुल भी नहीं थी। बस अभी हम यहाँ पर आप ही उतर कर मिठाई लेंगी और
मैं सवेरा शांजे यहाँ पर वेट करते हुए, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमने कहीं ना कहीं अपना माइंड तो डाइवर्ट करना ही था। बस अच्छा ये हुआ था कि उस्मान और अब्दुलरहमान जो थे वो मम्मी अप्पू के साथ हो गए थे, और सुभान जो है आगे जो मेरी भाभी है वो उसके पास था। तो थोड़ा मैं रिलैक्स थी गाड़ी में, लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि मैंने बहुत इन्जॉय किया और मैं बहुत सुकून में थी। अभी आप लोग वहाँ देखिएगा कि सुभान ने जो मेरा हाल किया है मैं आपको बता नहीं सकती। सुभान ने बहुत मुझे तंग किया क्योंकि वो गाड़ी में सो गया था, उसकी नींद पूरी हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था वहाँ जाकर। तो बस जी फाइनली हम यहाँ आ गए हैं, और अब्दुलरहमान उस्मान तो पहले से ही मौजूद थे, यहाँ पर मिलाद भी था, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था क्योंकि हम लेट हो गए थे, इतना हमें ट्रैफिक मिला रास्ते में। तो बस सुभान ने पूरा टाइम मुझे नहीं छोड़ा, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इसके साथ, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, शायद ज़्यादा लोगों को देख के घबरा रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बस इसी तरह से होता है कि बच्चों के माइंड का पता नहीं होता, अचानक का मूड ख़राब हो जाता है। और अब्दुलरहमान उस्मान ठीक रहते हैं, कहीं जाते हैं, तो बस सुभान की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। ये अब्दुलरहमान है, अब्दुलरहमान तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे शांसे के साथ। तो बस जी यहाँ पर खाना लग चुका था और बस ये था कि बस हम खाना खाएं और जाएं। मेरा तो बस यही था कि बस जल्दी से मैं किसी तरह घर चली जाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि गर्मी उस दिन थी भी बहुत। जी ये मेरे मामा हैं, इनको हम लोग सब हार पहना रहे हैं, बुके दे रहे हैं। तो हज करके जो लोग आए हैं, जो लोग आते हैं उनके लिए एक बड़ी ज़्यादात होती है, उनसे मिलने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है, और कहते हैं कि वो वहाँ से आने वाले लोगों की 40 दिन तक दुआएं भी कबूल होती हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको भी हज पर जाने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको अपने घर बुलाएँ, और मैं भी अब्दुलरहमान उस्मान को लेकर अल्लाह ताला के घर जाऊँ। मेरी दिल से ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को एक बार अल्लाह का घर ज़रूर दिखाऊं। आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हम सबको अपने घर की हाज़िरी करवाएं। तो जी आप लोग देख रहे हैं कि आप ही ने ये बहुत अच्छा काम किया था, उस्मान मिठाई के बॉक्सेस देखकर कब से मुझे तंग कर रहा था, तो फाइनली जो मेरे मामा हैं उन्होंने कहा कि ये मिठाई खोल लो, तो आप ही ने एक मिठाई खोल के सब में डिस्ट्रीब्यूट करी। तो उस्मान और अब्दुलरहमान मिठाई के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, इनको बस मिठाई हर वक्त चाहिए होती है। उस्मान को तो वैसे ही पता है आपको कि क्यों चाहिए, उस्मान को मीठा बहुत पसंद है, और अब्दुलरहमान को तो वैसे ही मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी यहाँ पर ये इन लोगों ने हम सबको गिफ्ट दिए थे। तो बस फाइनली अब हम घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि रज़ी साथ थे नहीं, रज़ी नहीं आए थे, मैं अपने भाई के साथ आई थी, और बस अभी हम घर जाएंगे। तो बस आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। अब्दुलरहमान उस्मान कहीं जाते हैं तो कितना ज़्यादा खुश होते हैं, सब ये सब दिखाने का आप लोगों को बस ये मकसद था।